बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपदा को अवसर में बदलने की प्रेरणा भी आपसे मिलती है। कोरोना की आपदा में ही आपने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जैसे ही आपने आह्वान किया, हमने तत्काल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना की। मैं नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। नीति आयोग के साथ मिलकर हमने वेबिनार्स के आयोजन किए और हमने देश के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार किया। उसके चार प्रमुख आधार स्तंभ है: भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थव्यवस्था। और हमने एक समय सीमा तय की, हर एक डिपार्टमेंट को काम बांटा और उस निश्चित समय सीमा में हम अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। अभी नीति आयोग ने जो 6 सूत्री एजेंडा देश के सामने रखा है, और मुझे प्रसन्नता है, मैं नीति आयोग को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद उनकी आवश्यकता प्राथमिकता जानकर ये 6 सूत्री एजेंडा बनाया है। और केंद्र का बजट भी सचमुच में ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। और एक बात आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो बिल्कुल सही है कि पहले बजट केंद्र का और राज्य का एक साथ आता था तो राज्य काल्पनिक बजट ही प्रस्तुत कर पाते थे, लेकिन हम अपना वास्तविक बजट बना रहे हैं। मैं केवल एक चर्चा अपने साथी मुख्यमंत्रियों से जरूर करना चाहूंगा कि इस बजट की लाइट में हम अपना बजट तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ काम हम ऐसे तय कर सकते हैं कि हम कुछ लक्ष्यों को सारा देश एक साथ प्राप्त कर सके। जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपए से बजट बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, और 3 साल के अंदर गांव में भी हर घर में स्वच्छ जल हमको देना है ताकि बीमारी और कुपोषण दोनों ना रहे। लेकिन 50% उसमें योगदान राज्यों का चाहिए। क्या सारे राज्य तय कर सकते हैं कि कम से कम हम इतना अपने बजट में राज्य के प्रावधान करेंगे कि 3 साल के अंदर हम हर घर में शुद्ध पानी देने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वैसे जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता तय की है, और मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है, हर गरीब की अपनी छत हो। क्या हर एक राज्य अपने राज्य के बजट में इतना प्रावधान कर सकता है? कई बार हम अपनी प्राथमिकताओं के कारण उतना प्रावधान नहीं करते जितना पैसा केंद्र हमें देता है, हमको स्टेट से मिलाना पड़ता है। ऐसी कुछ प्राथमिकता है अगर हम तय करें तो कुछ लक्ष्य सारा देश एक साथ प्राप्त कर सकता है। जहां तक नीति आयोग के 6 सूत्रीय एजेंडे का सवाल है, मध्य प्रदेश इस पे तेजी के साथ अमल करने का प्रयास करेगा। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी कल्पना हमने की है, सारे क्लियरेंस हम 30 दिन के अंदर दे दें। 30 दिन में उत्पादन शुरू नहीं हो सकता, लेकिन क्लियरेंस तो हम कम से कम सारे दे सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सचमुच में हमको धरातल को उतारने का काम करना पड़ेगा। वैसी स्किल्ड मैन पावर बहुत जरूरी है ताकि स्थानीय नौजवानों को हम रोजगार देने का काम कर सके। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क जैसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिसमें 10,000 बच्चों को एक साथ हम स्किल्ड करने का काम कर सके। जिलों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित की है। राज्यों के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन जिलों की हुनर और खूबियों को देखते हुए, मैं तो जब हमने एक जिला एक उत्पाद पर काम प्रारंभ किया तो सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। हमारा अमरकंटक, वहां कई वनौषधियां होती है, एक गुलवा कावली होती है जिससे अर्क बनता है, जिससे नेत्रों की ज्योति बहुत अच्छी रहती है और कई तरह के रोग ठीक होते हैं, वो वहां की विशेषता है। हमारे मंदसौर और नीमच का लहसुन, बुरहानपुर का केला, जब इस पर हम काम कर रहे हैं तो हम मुझे लगा कि सचमुच में कितनी संभावना है इसमें, और ऐसे कई उत्पाद हमारे एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उस दिशा में भी मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। आज सारे देश को सचमुच में खेती के विविधीकरण के बारे में सोचना पड़ेगा। ये तीनों जो कृषि कानून है, मैं सचमुच में इनको बहुत क्रांतिकारी मानता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एपीएमसी एक्ट, हमने केंद्र के एक्ट बनाने के पहले ही हमने एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर दिया था। मध्य प्रदेश में हम एमएसपी पे खरीदी भी कर रहे हैं, 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन
मध्य प्रदेश में हमने गेहूं खरीदा 37 लाख मीट्रिक टन, हमने चावल खरीदने का काम किया। मंडियों में खरीद अलग हो रही है, मंडी के बाहर खरीद अलग हो रही है, कहीं कोई समस्या और दिक्कत नहीं आई। सचमुच में किसान की आय दुगना करने का माध्यम है ये तीनों कृषि कानून। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कृषि का विविधीकरण, मध्य प्रदेश में हमने तय किया फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन, मछली पालन और बाकी वो चीजें। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खाद्य तेलों का हमको आयात करना पड़ता है, पहले दालों का आयात ना करना पड़े, इसमें भी मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। और अब मैं मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि इस साल हम गंभीर प्रयास करेंगे कि खाद्य तेलों का कम से कम आयात करना पड़े। हम अपने उत्पादन को बढ़ाने का इस दिशा में गंभीर प्रयास करेंगे। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती, ये भी आज जरूरी है अपने देश के लिए। मध्य प्रदेश में हमारे मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इनमें जैविक खेती होती है। कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग करके, जो कोदो और कुटकी पहले 5-6 रुपए किलो बिक जाता था, हमारी बहनें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बंद धान मिल का उदाहरण मन की बात में दिया था, उनने स्व सहायता समूह की बहनों ने धान मिल खरीद के और उसको प्रॉफिट में ला दिया। वैसे कोदो और कुटकी का उत्पादन जो 6-7 रुपया किलो बिकता था, वो 50 रुपया किलो बिक रहा है। ऐसी अनेकों चीजें निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं। एफपीओज को भी आंदोलन का स्वरूप देना पड़ेगा। भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में 5 साल में 111 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना स्वागत के योग्य। पीपीपी मोड में भी मध्य प्रदेश में हम कई काम कर रहे हैं। केवल 2 निवेदन और करके, चूंकि समय की सीमा है, सार्वजनिक संपत्तियों का मोनेटाइजेशन मुझे लगता है सचमुच बड़ा जरूरी है। केंद्र सरकार की कई जमीनें मध्य प्रदेश में पड़ी है जिनका उपयोग नहीं हो रहा। कई बार जब जमीनें ज्यादा होती थी तो हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा जमीन आवंटित कर दी। अब हम सरकार की भूमि और भवन जैसी संपत्तियां जो वास्तव में बहुमूल्य है, ऐसी संपत्तियों में से जो अनुपयोगी है उनका मोनेटाइज करके विकास कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकता है। उनका तार्किक और वैज्ञानिक उपयोग होना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में बिगड़े वन है, वहां कोई वृक्ष नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 1,47,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र हमने 15 साल में बढ़ाया है। लेकिन हमारे बिगड़े वनों में या तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे सोलर पैनल लगा के रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ग्रीन एनर्जी उत्पादित करने का काम करें, या निजी निवेश के माध्यम से हम ऐसे वन क्षेत्रों में फिर से वन लगाने का काम कर पाए। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। मैंने माननीय नीति आयोग को लिखित में अपने सुझाव दिए। आकांक्षी जिले हमारे 8 है, लेकिन हमने 50 आकांक्षी ब्लॉक भी तय करके वह काम प्रारंभ कर दिया है। नीति आयोग के साथ हम लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सुशासन के क्षेत्र में भी एक पंक्ति कहके, एक अंतिम लाइन कहके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का जो टारगेट 24 तक हमको प्राप्त करना अर्थव्यवस्था का, मध्य प्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ की जीडीपी के लक्ष्य को पार कर लेगा। और जो 6 सूत्री एजेंडा नीति आयोग ने बनाया है उसको नीचे जमीन पर उतारने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने देश की प्रगति और विकास में बेहतर योगदान देने का प्रयास करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।